नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज कीटनाशक और बीज के खुदरा विक्रेता संघ का मीटिंग चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, सिर्फ इस बात के लिए कि सरकार जब कालाबाजारी को अंकुश लगाने के लिए खड़ी थी तो ऐसे में खुदरा व्यवसायी के साथ एक समस्या खड़ी हो गई कि वो खरीदे किस रेट पे। बेचने के लिए उन्हें बताया गया कि आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP पर ही खाद बीज बेचना होगा, लेकिन खरीदने की कोई नियत राशि तय नहीं बताई जा रही है, जिसको लेकर के काफ़ी उहापोह की स्थिति है खुदरा व्यवसायी संघ में। कीटनाशक बीज के जो खुदरा व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, तमाम जिले के प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, महासचिव, सभी तरह के अधिकारी इस संघ के आए हुए हैं। आइए जानते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की क्या मुख्य विशेषता है। देखिए, मुख्य रूप से जो समस्या खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के साथ था लगातार बिहार में, कि वो 400 में बेचते थे यूरिया, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं, या 350 में बेचते थे या 300 में बेचते थे, वो 10 से 15 रुपया ही कमाई करते थे। ये ऐतिहासिक बात है, मेरे जन्म से पहले की बात है, और यह लगातार यह हो रहा था। जब उसमें कोई राजनीतिक होता था, नेतागिरी, आप लोग भी मीडिया के साथ ही MRP देखते थे, 266 बिक रहा 400, प्रश्न लगा दिए, कुछ हंगामा हो गया तो ऑफिसर एक ही काम करता था कि उस उक्त विक्रेताओं पर मुकदमा करके हर जिला में बिहार में 3-4 मुकदमा हर साल करके इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जाता था। जबकि इसका जरिए है कि खुदरा विक्रेताओं को जो खाद मिलता था, 400 बेचता था तो उसको 360 में मिलता था, 20-25 रुपया उनको भाड़ा लगता था, तो 385 अनलोडिंग लगा के 388 पर गया। अब तो वो 400 बेच रहा तो 12 रुपया कमा रहा। इसमें जो इतना बड़ा घोटाला होता था वो अधिकारी और थोक विक्रेता के द्वारा वो मैनेज हो जाता था वो रुपया। तो हम लोग ये समस्या को देखे, पूरा बिहार में ये समस्या था, इसलिए हम लोगों ने ही सरकार को वस्तु स्थिति से अवगत कराया कि जब हम लोग दोषी नहीं हैं तो खुदरा विक्रेता पे मुकदमा अगर होगा तो हम लोग पूरा विरोध करेंगे। तब सरकार को लगा कि ये बात अब सच आ रहा है, तब उन्होंने जो है 266 रुपया का बेचने का प्रावधान किया। तब हम लोगों ने खुदरा विक्रेता संघ के द्वारा ये हुआ कि जब आप भाड़ा नहीं देंगे सेकेंडरी फ्राइट तो फिर संभव नहीं है। उस समय थोक विक्रेताओं द्वारा 245 से लेके 248 तक यूरिया का बिल काटा जाता था, तो हम लोग यही समझे कि 245 में देगा और सरकार अगर भाड़ा का अरेंजमेंट कर देता है तो 266 में बेचेंगे, GST जो अनलोडिंग लगा के 5-6 रुपया खर्च, फिर भी 8-10 रुपया बचेगा, तो हमारा समस्या तत्काल निदान हो गया। लेकिन अभी फिर प्रॉब्लम हो रहा, अभी हम आपको कहना चाहते हैं दावे के साथ कि अधिकारी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और हर जिला के अधिकारी थोक विक्रेताओं से मिले हुए हैं, और वही यूरिया जो 244-245 में 2 महीना पहले बिल करता था, आज उस यूरिया को 258-260 में बिल किया जाता है। तो सरकार को, हम लोग पूरा बिहार के विक्रेता सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि आप जो है इस परिस्थिति को समझिए, और जो थोक विक्रेता है किस दर में खुदरा विक्रेता को देगा खाद, चाहे जो जितना प्रकार हो उसका, उसको स्पष्ट करिए। और दूसरी बात, अगर उस दर में हमारा भरण पोषण हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसलिए संगठन के माध्यम से हम लोग सरकार से ये भी मांग करते हैं कि आप कम से कम ग्रॉस प्रॉफिट जो 8% का है वो हम लोगों को देने का प्रबंध करिए। किसान के लिए हम लोग चिंतक हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट किसान से जुड़े हुए हैं, जब भी किसान खुशहाल होता है तो हम लोग खुशहाल होते हैं, तो हम लोग उधार देते हैं किसान को, तरह तरह का उनके प्रॉब्लम में काम आते हैं, अगर उनका फसल अच्छा होता है तो समय पर हमको बकाया रुपया भी वापस होता है, तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा किसान सुखी संपन्न रहे, और किसान के लिए हम लोग हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सरकार को हमारे लिए भी ये निर्णय करना होगा, और नहीं करेगा तो पूरा बिहार में हम लोग एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं इस मामले को लेकर, यही संबंध में जो आज बेगूसराय में भी हम आए हुए हैं। हम लोग का जो संस्था है ये किसी गैर राजनीतिक संस्था है, कुछ बातें हम लोग राजनीतिक संस्था गैर राजनीतिक संस्था है हम लोग का
तो कुछ बातें हम लोग इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि उसका राजनीतिक अर्थ ना निकाला जाए। इसका मतलब हम अपना हक नहीं मांगे? हम अपने और अपने किसान के लिए सरकार से हर तथ्यों हर सब जो बात है उसको तथ्यों के साथ सरकार के साथ रखते हैं और मांग करते हैं कि आप इसको जो है, एक और समस्या है कि आप श्रीमान कीटनाशक दवा और बीज हमेशा बिकने की चीज़ नहीं है, किराना का दुकान नहीं है कि डेली बिक जाएगा और डेली उसकी कुछ आमदनी होगी और उसके दुकानदार के बच्चे को रोटी मिल जाएगी। ऐसी परिस्थिति में 1.5 साल तक बाजार का बंद होना उनकी अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव डाला होगा, उसको लेकर के संघ कितना सजग? ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और हम लोगों को ही नहीं, सभी जो खुदरा व्यापार है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और अभी जो बात आ रहा है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ये कई इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो ऑनलाइन जो है फर्टिलाइज़र और कीटनाशक का व्यापार करने वाला, सरकार ने उसको हरी झंडी दिया है। तो यूरिया यहाँ 266 रुपया से अगर 67 बिकता है तो तुरंत जो है उस पर FIR होता है खुदरा विक्रेताओं पे। और वहाँ जो है अमेज़ॉन जो है 100 रुपया से ऊपर यूरिया का रेट रखे हुए प्रति किलो। तो किस तरह सरकार का यह व्यवस्था है, उतना हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते। ये सभी का समस्या है, लेकिन हम लोग को जो वर्क हम लोग करते हैं उसमें जो समस्या उत्पन्न हो रहा है तत्काल, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक संगठन हैं, दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ भी कुछ बोलने को तैयार नहीं दिखते। नहीं, नहीं, हम किसी सरकार और, का और, नहीं नहीं, और भगवा गमछा भी वितरण कर रहे हैं। देखिए, भगवा जो आप बात कर रहे हैं ये किसी सरकार का गुलाम नहीं है भगवा। इस बातों पे हम नहीं जाना चाहते थे, आप ज़बरदस्ती मेरे मुंह में वो डाल रहे हैं। तो ये तो हमारा एक संस्कृति है भारतवर्ष का, तो सम्राट अशोक के समय से आज तक जो है ये चलते आया है। तो इसको अगर कोई उस तरह जोड़े सरकार सराय में फर्टिलाइजर बंद हो नहीं, अभी शुरू हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है। क्या लगता है कि सरकार की जो नीति है व्यवसायी वर्ग के लिए कितना फलदायी है? देखिए, बहुत सारा समस्या है, खुदरा विक्रेताओं का अपना समस्या जो है हम लोग उसी पर बात करेंगे और किसान का जो समस्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। बाकी राजनीतिक बहुत सारा समस्या है, उतना हम लोग नहीं कर सकते और उस विवाद में हम लोग जाना भी नहीं चाहते। हम एक लाइन बोल रहे हैं आपको कि यही सरकार है 16 साल से है और ये जीरो टॉलरेंस नीति नहीं आया। ये जीरो टॉलरेंस नीति किसने लाया? ये बिहार के खुदरा विक्रेताओं ने आंदोलन करके लगातार सरकार को प्रभावित करके ये नीति पास करवाया, ये नीति लाया। सरकार अगर कहता है कोई सरकार का ये कि हमने करवाया तो ये गलत है। मैं इस बात, और सरकार जब हमारे फेवर में काम करेगा, सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, जब हमारी बात जो संवैधानिक बात है उसको अगर सरकार मानेगा तो हम सरकार के जय जयकार करेंगे, और सरकार जब नहीं मानेगा तो सरकार का हम लोग ईंट भी हिलाएंगे। तो हम लोग दोनों काम करेंगे, हम लोग किसी का नहीं, हम लोग किसानों का हैं। विपक्ष हमेशा आरोप लगाते रहती है कि व्यवसायियों की सरकार, ये कहने के लिए व्यवसायियों की सरकार है। और दूसरा नंबर, हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन आज के डेट में ये आंदोलन का जो मेन मकसद है वो खुदरा व्यापारियों पर इतना अंकुश लगाना कि वो सरकारी रेट पर बेचे। हम 26 साल से इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और आज तक जितनी भी सरकारें आई, कभी किसान को जब 251 का MRP था तब हम लोग को 300 रुपया यूरिया मिलता था। उस समय सरकार कहाँ गई थी? उस समय जितने भी पदाधिकारी, मंत्री, सब कंपनी वाले मिली भगत करके किसान का शोषण किए हैं और दुकानदार, छोटा दुकानदार का शोषण किए। जब हमको 300 मिलता था, 310 पंडे में हम बेचते थे, और आज के डेट में गवर्नमेंट ने 266.50 रुपया खुदरा विक्रेता के लिए रेट यूरिया किसानों के लिए तय किया, DAP 1200 रुपया में बेचने का तय किया। लेकिन आज के डेट में
खुदरा विक्रेता 268 में हम लोग किसान को देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारी सरकार हमको उसमें 2% टैक्स लगता है, 1% GST और 1% इनकम टैक्स प्लस हमारा खर्च है। और हमको आज की डेट में 260 से कम में कोई भी डीलर देने को तैयार नहीं है। उसमें 3 रुपया हमारा लेबर कॉस्ट है, 263 रुपया में यूरिया खरीद कर कब तक हम लोग जो है 266 में बेचेंगे। और आज के डेट में जितने भी पदाधिकारी हैं टोटल खुदरा विक्रेता पर ही एफआईआर कर रहे हैं, और बड़े बड़े व्यवसायी माफिया जो बैठे हुए हैं उनसे मंत्री से लेके जितने भी पदाधिकारी कृषि विभाग के हैं सब मिली भगत कर रहे हैं। किसान को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अपना संगठन का निर्माण नहीं किए हैं, बल्कि मेरे संगठन के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य पर और समय के साथ सभी उर्वरकों का आपूर्ति की जाए, इसलिए हमारा संगठन बना है। अब मेरे साथ प्रश्न यह उठता है कि हम कैसे उनको उपलब्ध करावें। तो हम सरकार से मांग करते हैं, चूंकि जीरो टेल रेट या मूल्य निर्धारण करना भारत सरकार का जिम्मेदारी है, तो भारत सरकार के द्वारा अगर 266 रुपया में यूरिया और 1200 रुपया में ही DAP का मूल्य निर्धारण किया गया है, तो फिर भारत सरकार हम लोगों को खुदरा विक्रेताओं को किस दर में उपलब्ध कराए जो हमारी मजदूरी मिलते हुए और हम किसानों को खाद की आपूर्ति करा दें। जैसा कि हम समझते हैं, आज तक जब से ये फर्टिलाइजर व्यवसाय शुरू हुआ है तब से पहली बार एक खुदरा व्यापारियों को सरकार ईमानदार नज़र से देखने का प्रयास कर रही है। आज तक हम लोगों पर कालाबाजारी का थप्पा लगल था। एक पुरानी कहावत है, खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। तो अफसर और थोक विक्रेताओं के द्वारा मिली भगत से हम लोगों को अधिक MRP से अधिक दाम पर उपलब्ध कराया जाता था फर्टिलाइजर। पहली बार है कम से कम एक डिमांड तो हम लोगों का पूरा हुआ है, जो मतलब हमारे दुकान तक पहुंचाने की बात जो है, जो जिसमें भारत सरकार का जो भी MRP बेस कम है, चाहे वो राशन किरासन हो या पेट्रोल डीजल हो, उसका जो है वन पॉइंट सेल पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। तो एक समस्या तो हम लोगों का निदान हो गया है कि अब सेल पॉइंट तक पहुँचाने के लिए तैयारी चल रही है। तो सरकार पूर्ण रूपेण समझ पा रही है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान देना नहीं चाहती है। सवाल उठता है, अधिकार सब खोजता है, कर्तव्य अपना कोई नहीं खोजता है। हम चाहते हैं सरकार का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करे और किसान का जो अधिकार है वो हमसे ले। इस सच्चाई में हम खुदरा विक्रेता जो हैं इससे बढ़कर किसान का हितैषी कोई नहीं है। बोलने के लिए चाहे सरकार हो या पदाधिकारी हो, किसान का सच्चा सिपाही, सच्चा हितैषी हम खुदरा विक्रेता हैं। हमको आश्चर्य तब लगता है कि केवल खुदरा विक्रेता को वो खोजते फिरते हैं कि कौन 267 में बेचता है, कौन 268 में। हाँ, बेच रहा है उसे ही 266 में बेचता है और गांव में बेच रहा है। किसी ने अगर कोई विरोध में है, दुकानदार के विरोध में उसको उधार नहीं दिया, कोनो बात नहीं हुआ, तो वो कह देगा कि हमको 270 में दिए, हमको 280 में दिए, तो उस पर FIR करने का काम करेंगे। लेकिन हम जितना खुदरा विक्रेता हैं बार बार ये कह रहे हैं प्रेस के माध्यम से, या मान लीजिए संगठन हमारा जाके मिला है और ये क्या कहते हैं होलसेलर के बारे में, कि हमको 55 फिक्स किया गया था लेकिन वो हमको 60 में देते हैं और देने के लिए मने ही रहते हैं, और नहीं देते हैं तो हमको देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या पदाधिकारी को ये सुनना नहीं है? अगर पदाधिकारी से होलसेलर बाहर है, अगर होलसेलर सरकार चला सुनेंगे आपकी बात तब क्या करेंगे? हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम जनतांत्रिक प्रक्रिया से लड़ाई लड़ेंगे। पदाधिकारी का दोहरी रवैया हमारे जिला में चल रहा है। आज से पूर्व 2-3 महीना पहले की बात है, कोरोना काल में हमारे प्रखंड के 2 विक्रेता थे जिनको जिला पदाधिकारी द्वारा जांच टीम द्वारा भेजा गया, जांच में जांच उपरांत सारा पेपर और सारा सिस्टम अप टू डेट पाया गया। उसके एवज में BO साहब को स्पष्टीकरण मांगा गया और रिटेलर लोग ने स्पष्टीकरण BO साहब को दिया, और BO साहब जिला DO साहब को नहीं भेजने के कारण
पटना से डायरेक्टर साहब ने हमारे दोनों रिटेलर पर एफआईआर कर दिया कि एफआईआर का जबकि कोई वहाँ जगह नहीं बनता था, क्योंकि जो रजिस्टर मांगा गया, पॉस मशीन मांगा गया, स्टॉक दिखा गया, हर चीज़ में हमारा रिटेलर अप टू डेट था। लेकिन अब कैसी रवैया है ये कहना मुश्किल है। आज से पूर्व एक महीना पहले हमारा जिला का पदाधिकारी डीओ साहब से हम लोग गए थे मिलने के लिए। इस तरीके के काम में अधिकारी दोषी समझ में आते हैं या सरकार की नीति गलत समझ में? अधिकारी दोषी में आ रहे हैं, सरकार का नीति स्पष्ट है। सरकार जो हम लोग को एक दर निर्धारित किया है 266 में यूरिया बेचिए, 1200 में डीएपी, हम लोग रिटेलर पूरे सरकार का नियम पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन पदाधिकारी हैं, उनसे हम लोग बार बार जाकर कहे जो हम लोग का किस रेट में खरीदारी हो। ये कहानी कितने दिनों से आपके संग और अधिकारियों के बीच हो रही है? ये 30 जुलाई से चल रहा है ये कहानी। 30 जुलाई कम से कम 12-13 साल से खुदरा खाद बीज बेच रहे हैं और सरकार का अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस लेकर बेच रहे हैं। अभी तक किसी तरह सर्वाइव होते थे, अब जो पॉलिसी आया है, ऑफिसर एसएमएस किसान सलाहकार प्रतिदिन मेरे दुकान पर जाते हैं और मेरा स्टॉक गिनते हैं और 267-66 में बेचने को कहते हैं। जो हम लोग कर रहे हैं वैसा करने पर हमको 5-7 रुपया का घाटा ही होता है। तो सर भूखे भजन होए गोपाला, हम लोग अपना यूनियन में आए हैं, कुछ यहाँ हमारा राह रास्ता निकले जागे हम लोग सर्वाइव करें, साल दो साल देखते हैं कोई राह निकलेगा, नहीं तो दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे।